नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मसालों के किंग कहे जाने वाले धर्मपाल गुलाटी का दिल्ली के चंदन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन आज सुबह 5:38 पर हुआ। दुनिया भर में अपने मसालों के जायकों के लिए अलग पहचान रखने वाले धर्मपाल गुलाटी की जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। MDH मसालों के विज्ञापन में दिखाई देने वाले MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी एक सफल उद्योगपति थे। उनका जन्म सियालकोट में हुआ था। धर्मपाल गुलाटी ने 1956 में MDH की स्थापना की थी। आज दुनिया के कई शहरों में MDH की ब्रांच है। MDH कंपनी की 70% हिस्सेदारी धर्मपाल गुलाटी के पास है। चलिए अब आपको राजस्थान की बड़ी खबर देते। राजस्थान में आज 2 घंटे चक्का जाम रहेगा। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर चल रहा राजस्थान के किसान संघर्ष समन्वय समिति ने गुरुवार को प्रदेश में तहसीलों और जिला स्तर पर 2 घंटे का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। यह चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अलग अलग स्थानों पर होगा। प्रदेश की एक और बड़ी खबर आपको दे दे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ हमेशा उल्टा सीधा बयान देने वाले नागौर सांसद और RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अब वसुंधरा राजे के समर्थक भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हनुमान बेनीवाल द्वारा भाजपा से संबंध तोड़ने की धमकी पर पलटवार करते हुए इन नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वह कल क्या आज ही भाजपा से संबंध तोड़ ले, भाजपा को उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। बीजेपी नेताओं का बड़ा बयान, अब देखना यह होगा हनुमान बेनीवाल बीजेपी के इन नेताओं पर क्या पलटवार करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे दे। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले के सह आरोपी परसाराम बिश्नोई को 6 घंटे के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत पर भेजने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में सह आरोपी याचिकाकर्ता परसाराम की ओर से अधिवक्ता संजय बिश्नोई ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया था। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे। राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह जानकारी खुद बीजेपी सांसद ने फेसबुक पोस्ट पर दी है। दिया कुमारी मंगलवार को उदयपुर में बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी के अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी, जिनकी कोरोना के कारण मौत हो गई थी। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक न्यूज आर्टिकल काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि RBI ने बैंकों को 2000 के नोट की सप्लाई बंद कर दी है। इसीलिए ज्यादातर बैंकों के ATM में केवल 100, 200 और 500 के नोट ही निकल रहे हैं। इस न्यूज आर्टिकल के वायरल होने के बाद एक बार फिर से लोग तनाव में आ गए हैं। आम लोगों को शंका है कि कहीं सरकार 8 नवंबर 2016 की तरह इस बार भी 2000 के नोट कहीं बंद ना कर दे और इन्हें एक बार फिर से बैंकों में 2000 के नोट को बदलने के लिए लाइन में न लगना पड़े। आपको बता दे, जब इस वायरल न्यूज आर्टिकल की पड़ताल की गई तो दावा एकदम फर्जी निकला। आपको बता दे, RBI ने 2000 के नोटों की आपूर्ति बैंकों को बंद नहीं की है। तो यह थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।